हेलो गाइज, आप देख रहे हैं C04 कार्स और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि क्या माहौल बना है और आज के वीडियो में पूरा उसका कवर अप करूंगा। यहाँ पे अपन आए हैं, कहाँ पे आए भैया? हम हम आए हैं माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की एक्सपो 2023 में। ये हमारे शिवम दिया वंश कार वाले और आज के वीडियो में भैया बोल रहे कि धंधा अंदर शुरू करते हैं, सब में क्या रहा है? माइनिंग शुरू करते हैं, है ना? मोटी पार्टी है भाई, पैसा की कमी, पैसा ही पैसा होगा। देखते हैं, आओ फिर दिखाते हैं आपको और हम लोग भी देखते हैं पैसा ही पैसा, जैसे भी है क्या, कौन सा माइनिंग में इक्विपमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं यार, अपने को भी ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, और साथ में मिल के देखते हैं कौन सी हाईवा है, क्या कैसे है, है ना? चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा ऐसे पोस्टर देखने को मिल जाएगा, ये आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी और ये वेलकम कर रहे हैं भाई साहब लोग, ये आपको ऐसे झंडा अंडा देखने को मिलेगा। हाँ, लोकेशन मैं बता दूँ, रायपुर साइंस ग्राउंड के यहाँ पे जो भी गाड़ी मिलेगी ना, BS6 फेज 2 वाली मिलेगी। अच्छा, सो जो भी मिलेगा तो ये आपको ऐसे आइकॉनिक यहाँ पे लोगों को बढ़िया से मिल जाती है। और सबसे पहले यहाँ पे भाई, जहाँ भी एंटर करो, जिस सेगमेंट में भी एंटर करो, आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, टाटा हिटाची का जो इक्विपमेंट्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पे आपको JCB देखने को मिल जाएगी और ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखा गया, आप देख सकते हैं बढ़िया से डेस्क वगैरह यहाँ पे सब लगा के रखे हैं। कुछ और जानना है आपको? जी सर, बिल्कुल जानना है, हमारी जनता को बताइए कि मतलब टाटा हिटाची जो है यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और बेसिकली ये चीज़ें, ये जो चीज़ें क्या चीज़ में यूज़ आते हैं। चलिए जी, तो भैया अपने को आज के पूरे ये टाटा हिटाची के प्रोडक्ट का गाइड करने वाले हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको माइनिंग या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है, नॉलेज लेना। और सर आपका नाम? ललित यादव सर, वर्कशॉप मैनेजर टाटा हिटाची। ओके सर, ठीक है, तो चलिए सर बताइए। इस मशीन को TMX 20 बोलते हैं। हाँ, ये एक से डेढ़ टन की मशीन है ये। हाँ, ठीक है, ये बेसिकली जैसे नगर निगम का काम होता है, जैसे गड्ढा खोदना, छोटे छोटे काम, छोटे ऑपरेशन के लिए, नाला या फिर खेत में मेड़ वेड़ हो गया, छोटे ऑपरेशन के लिए। चैन माउंटेड है, कहीं पे फंसने का कोई वो नहीं है। अच्छा, ये मशीन। अच्छा, एक व्हील वाला भी आता है इसमें? इसमें व्हील वाला हमारे में नहीं आता, ये चैन माउंटेड में ही रहता है। हाँ, व्हील वाला हमारा ये बैको लोडर है। अच्छा, ठीक है, इसको तो जानते हैं ना। हाँ, है ना, इसमें मैं मेन क्या है, ये लोडिंग का काम करता है। अच्छा, लोडिंग मतलब मटेरियल को उठाएगा, लोड करना, ठीक है। उसके बाद आपका बैको लोडर है, वो जैसे मट्टी को निकालना, ये भी कंस्ट्रक्शन में मतलब कॉम्पैक्ट है ये। हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज करो। हाँ, लैंड में यूज करो, ऐसा है। आइए आप मैं दिखा। अब ये माइनिंग वाला है? हाँ, इसको बोलते हैं लोडर बोलते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं व्हील लोडर। अच्छा, जैसे आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया। हाँ, हाँ, है ना, उसको जैसे रैक मतलब जैसे रैक में डालना है, मतलब ट्रेन का जो होता है ना, तो कोयला निकाल के ऐसा डालना, बंद करना, ये सब लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, और आगे चलते, ये 1 2 3 4 यहाँ पे चार प्रोडक्ट हैं। एक्सकेवेटर, ऑल राइट, एक्सकेवेटर काम करता है एक्सकेवेशन का, समझ लो मतलब। हाँ, हाँ, खोदने का या फिर। हाँ, पत्थर लोड करने का। हाँ, ठीक है, ये एक्सकेवेटर मतलब हमारे टाटा हिटाची का समझ लो जान है। अच्छा, हाँ, है ना, ये 20 टन में सबसे ज़्यादा जो लोकल मार्केट में बिकती है ना, ये हमारा ये 200-210 मशीन रहता है एक्सकेवेटर, चैन माउंटेड मशीन, बहुत बढ़िया मशीन है ये। हाँ, मतलब इससे लोग जानते हैं कि टाटा हिटाची का इतना बढ़िया एक्सकेवेटर है, मतलब ये बटर प्रोडक्ट है टाटा हिटाची का बोल सकते हैं। बटर प्रोडक्ट तो सभी है, लोडर। हाँ, भी हम बटर प्रोडक्ट। हाँ, है, लेकिन ये जो शान है ना, टाटा हिटाची का शान है। अच्छा, ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बकेट का 8 फेज भी करते हैं। मतलब क्या होता है ना, जो बकेट जो रहता है ना, वो ये सब प्लेट के साथ नहीं आता। अच्छा, समय के साथ जब वो घिस जाता है ना, तो बकेट खराब हो जाता है। हाँ, अलग से ना वियर प्लेट लगाते हैं, ये 16 mm का प्लेट रहता है, टाटा हिटाची का जेन्युइन प्लेट है। और जैसे लोकल मार्केट में कराएंगे ना, तो स्क्रैप से लगाते हैं। ये इसका खासियत ये है कि ये हल्का रहता है ये प्लेट। हाँ, हल्का इसलिए क्योंकि बकेट जितना भारी होगा ना, उतना परफॉर्मेंस गिरेगा, इसलिए ये मजबूत भी रहता है और ये हल्का भी रहता है। ये टाटा का प्रोडक्ट, टाटा का लोहा है, टाटा का। तो ये जैसे कि ये भी तो घिसेगा ही एट द एंड, घिसेगा, उसके बाद इसको चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब समझ लो ये होने के बाद 6-7 महीना आपका फुर्सत है। अच्छा, तो ये घिसता है तो आप दूसरा प्लेट फिर से लगा दो। अच्छा, है ना, सिर्फ ये वाला प्लेट अलग से, ये बेस प्लेट है, ये उसी के साथ, ये बकेट के साथ आता है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का जो कलर दिख रहा है ना, वो सब अलग से लगा है। इसको बकेट हार्ड फेसिंग बोलते हैं, बकेट को बचाने के।
तो ये है भाई, आपने देखा टाटा हिटाची का प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक्सपो लगा है 3 दिन के लिए 17, 18, 19, और आज है 18 ऑफ अक्टूबर 2023। और सर है हमारे पास, सर का मैं नंबर जो है नीचे वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर को बिल्कुल, ठीक है। और बाकी आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं सर, आप मिल के चलो। कौन सा? CG04 कार्स के नाम से, कार्स कार्स, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जायका ट्रेलर्स हो गए, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेन 35-30 टाटा का, और ये अपने को ऐसा कुछ बम्पर जैसे देखने को मिल जाता है, ये 16 चक्का वाला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जायका ऑटोमोबाइल्स एंड फिन टिपर बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ ये बहुत ही बड़ा मशीन है, आप देख सकते हैं कि कितने टनों का माल इसमें आप लोड कर सकते हैं, और इसके कुछ स्पेक्स वगैरह पिक्चर ये आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है टाटा का 35-30 ऐसा कुछ देखने को मिलता है, सिग्ना करके आता है, 35-30 आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो ये है भाई, आपने देख लिया टाटा का यहाँ पे 35-30, और आगे चलते हैं जेसीबी की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने हैवी मशीन ऐसे लगे आपको मिल जाते हैं, आपको पूरा माइनिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जेसीबी की तरफ से, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आपको मिलता है ह्युंडई का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्युंडई भी सभी सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है, और ह्युंडई के बाद जो यहाँ पे ह्युंडई में आपको एक ही प्रोडक्ट रखा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद महिंद्रा आ जाता है, महिंद्रा का भी जेसीबी वगैरह यहाँ पे प्रॉपर रखा गया है, और ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे बनाती है। और यहाँ पे भाई साहब लोग ड्रोन वन उड़ा रहे हैं मस्त तरीके से, आप देख सकते हैं कि, और ये अपने भैया ड्रोन उड़ा रहे हैं लियु गोंग करके, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट दिखा गया, और यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर ऐसा मिल जाता है, जेसीबी कैसे काम करता है आप देख सकते हैं, और आप सभी को पता ही होगा, अब उसमें क्या बताऊँ नया। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा सेल्फी वेल्फी लेने के लिए रोटेशन वोटेशन यहाँ पे आप घुमा सकते हैं, और ऐसा कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखा गया लियु गोंग की तरफ से। देख रहे हैं इनके अलग अलग यूज है, इनके बेहतर जानकारी के लिए, सारी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, हमारे एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं आपको बेहतर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। तो भाई यहाँ से वीडियो बनाने के बाद वो सेल्फी वाला आप देख सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं, हमारे भाई साहब बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं पता नहीं, और आगे चलते हैं अपन, आइए सर आगे देखते हैं कि क्या क्या माहौल यहाँ पे लगा हुआ है। और ये ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स वाले लियु गोंग करके यहाँ पे कोई है, केसर वाले जो है यहाँ पे लगा के रखे, हाँ फ्री है अपन तो बना ली, चलो ये भाई साहब बनाएंगे, मस्त शौकीन है ये, चलो कुछ तो शौक किए कम से कम। अब मेरे को भी नाम नहीं पता है क्या क्या इसमें लगते हैं, और वरना मैं आपको प्रॉपर, यही शायद मेरे को पानी वाला मोटर दिख रहा है जो कि खींचता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। और ऐसा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बीच में खाली खाली रखा गया है, बीच में थोड़ा सा स्टेज टाइप का बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्वो का लगा है, और ऐसा कुछ लगा है यहाँ पे प्रॉपर, सब बढ़िया सा बैठने वैठने का बनाया गया है, और सारे बैंक्स वगैरह जो है फाइनेंस वगैरह के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि आइए हमारा, हम आपका फाइनेंस गाड़ी के लिए कर देंगे, ठीक है चलिए आइए देखते हैं। ये वॉल्वो का यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना जो है प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे वेरी गुड किया गया है, गुड वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको गिट्टी विट्टी रख के बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये मशीन ऐसे काम करती है, और प्रॉपर पोस्टर भी लगाया गया है, ठीक। ये आपको ऐसा वॉल्वो का देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी गिट्टी वगैरह नहीं है, पर यहाँ पे जो है साफ़ सफाई करके बढ़िया सा गड्ढा है, और ये जो है भाई बीस्ट लग रही है, देख सकते हैं कि आपको SDLG का प्रॉपर मशीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, ये पूरा का पूरा इतना स्पेस है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, बैठने के लिए नहीं है, मिट्टी विट्टी खोदने के लिए, ठीक है, लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, ठीक। और ये जो ट्रक है यहाँ पे आपको प्रॉपर जो पूरा बुकिंग वुकिंग होके बिक भी गया है, सब सोल्डर्ड है, और बढ़िया सा माला वाला चढ़ा चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर सोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आइचर का ट्रक देखने को मिल जाएगा, और दोनों सोल्ड हो चुके हैं सर बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 30-35 XM जो आइचर का दिया गया है ये भी सोल्ड हो चुका है, और प्रॉपर अभी सेलिब्रेशन अगर हो रहा था इस तरीके से, और क्या हाईवा जो है मस्त बीस्ट लग रहा है आप देख सकते हैं, ठीक। GMCO करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कलर बहुत प्यारा लग रहा है इसका। और ये भाई आखिरी में आ चुके हैं, यहाँ तक अपने देखा था, और आगे कंटिन्यू करते हैं, GMCO करके यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल जाती है, और आगे चले तो आपको यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ साइकिल वगैरह चला रहे हैं, और यहाँ पे आप जो कैट का देख सकते हैं कि
ऐसा कुछ रखा गया है, बेनिफिट्स रीलोडेड ऐसा करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ क्या बोलते हैं पल्ट वाइजर करके यहाँ पे आपको पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो खोदने का है और ऐसा कुछ यहाँ पे रखा गया है। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये एक्सपो जो लगा है रायपुर छत्तीसगढ़ में साइंस ग्राउंड में, कल जो है आखिरी दिन है 19 तारीख को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।